हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जिसका नाम है ओन द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग। ये बीए सेकंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर का प्रोज है। अगर इस प्रोज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तब आप यही आंसर लिख सकते हो। ये इस प्रोज की एक तरीके से समरी है, जो कि हर एक प्रकार का क्वेश्चन, चाहे वो थीम से रिलेटेड है या फिर कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जा रहा है, तब आप ये आंसर लिख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। द एसे इंटाइटल ऑन द प्लेजर ऑफ नो लॉन्गर बींग वेरी यंग इज फ्रॉम चेस्टरटन्स बुक ऑल इज क्रिस्ट। तो ये क्या है कि चेस्टरटन्स की जो बुक है उसमें से ये एसे लिया गया है। द एसे इज़ ए प्ली फॉर द काम कंसिडरेशन ऑफ ट्रेडिशनल विजडम। और इस एसे में ट्रेडिशनल विजडम यानी कि जो परंपरागत बुद्धिमत्ता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो भी हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ में, उन सबको इंपॉर्टेंस दी है। इम्पेशेंट एंड आइडियलिस्टिक यंग मैन ऑफ मॉडर्न टाइम डिसमिस द नॉलेज। और जो आज के समय के यंग मैन हैं, जो कि इम्पेशेंट है, जिनमें ज़्यादा पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, एंड आइडियलिस्टिक्स हैं, जो आदर्शवादी हैं, वो क्या है कि इस नॉलेज को स्वीकार नहीं करते हैं। दैट हैज़ बीन हैंडेड डाउन टू अस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एज सुपरस्टिशन। जो भी मतलब ओल्ड पर्सन्स के द्वारा हमें नॉलेज दी जाती है, हमें जो बातें सिखाई जाती हैं, वो यंग मैन है जो, वो क्या सोचते हैं कि ये सभी बातें क्या है, एक प्रकार का सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। दे रिगार्डेड द मटीरियल प्रोग्रेस डन इन मॉडर्न टाइम्स एज इम्पॉर्टेंट एंड थिंक दैट आर एंसेस्टर्स लिव्ड इन अ मिसरेबल एंड अनहैप्पी लाइफ। जो यंग मैन है वो क्या रिगार्ड करते हैं, वो सोचते हैं कि जो मॉडर्न टाइम में चीज़ें हैं, मटेरियल प्रोसेस हो रहा है, ये ही इम्पॉर्टेंट है, और जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो अपनी लाइफ है जो वो कैसे अनहैप्पी जीते थे। मीन्स कि उनके पास ना तो कोई नॉलेज अच्छी होती थी, वो अंधविश्वासों में रहते थे, और ना ही उनके पास इतना मटेरियल डेवलपमेंट था। जैसे कि आज के समय में जो भी सुख सुविधाएं हैं वो पहले के समय में नहीं थी। तो यंग मैन क्या सोचते हैं कि पहले के जो लोगों की लाइफ थी वो कैसी थी, वो अनहैप्पी, मिसरेबल का मीन्स होता है दयनीय थी। चेस्टरटन्स पॉइंट्स आउट इन द एसे, और यहाँ पर जो चेस्टरटन्स हैं, जो नरेटर हैं, उन्होंने इस एसे में पॉइंट आउट किया है द एडवांटेज ऑफ एडवांसिंग ईयर्स लाइज इन डिस्कवरिंग दैट, कि जो ये बढ़ती हुई एज है इसमें क्या है कि बहुत सारे प्रॉफिट हैं, एडवांटेज हैं। अब वो क्या क्या हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। और ये इतना जो पैराग्राफ है, इसे आप यानी कि अगर इस ऐसे से रिलेटेड आपका स्टैंजा आती है, तब आप ये इतना जो पैराग्राफ है इसे आप रेफरेंस में भी लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। चेस्टरटन्स हैज़ टेक अप सच अ सब्जेक्ट दैट, तो चेस्टरटन्स है जो, उन्होंने अपने इस ऐसे में एक सब्जेक्ट, एक विषय पर चर्चा की है, और वो क्या है, वन हैज़ टू लुक इनटू द एटीट्यूड ऑफ एडवांस्ड एज, कि हर किसी को बढ़ती हुई जो एज है उसका जो एटीट्यूड है उसके ऊपर देखना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। द एडवांटेज ऑफ बींग इन एडवांस एज आर जनरली नॉट प्रॉपरली अंडरस्टैंड। और ये बढ़ती हुई उम्र के जो लाभ हैं, जो एडवांटेज है, ये क्या है कि सामान्यतः अच्छे तरीके से समझ में नहीं आते हैं। दे आर स्टेटेड इन ए सेंटिमेंटल वे, और जो नरेटर हैं उन्होंने ये बात एक सेंटिमेंटल वे में कही है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर इट इज़ स्टेट दैट, यह कहा गया है, ओल्ड पीपल आर वाइसर, कि जो वृद्ध लोग होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं। इन लुक, और देखने में वो कैसे होते हैं, दे हैव स्नोई बियर्ड लाइक फादर क्रिसमस, कि उनकी क्या है कि वाइट कलर की दाढ़ी होती है जैसे कि फादर क्रिसमस की होती है। However, the young people fail to believe that what the old people say is full of wisdom. और जो young people हैं वो ये बात समझ ही नहीं पाते हैं कि जो old people जो भी बातें कह रहे हैं वो उनके क्या हैं, experience हैं, और वो उनकी बुद्धिमानी है, क्योंकि उनका ऐसा लगता है कि जो old people हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई नॉलेज नहीं है, टाइम चेंज होता जा रहा है, old people हैं जो वो अपने पुराने ही टाइम में रह रहे हैं, यंग मैन ऐसा सोचते हैं। तो यहाँ पर जो नरेटर है वो कहते हैं कि ये सब बातें हैं जो वो गलत हैं, यंग पीपल है जो वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं कि जो ओल्ड पीपल इतनी बातें कह रहे हैं, अगर वो कुछ समझा रहे हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पर समझा रहे हैं। एज सच दे आर डाउटफुल इफ द प्रेज फॉर बींग वाइज इन ओल्ड एज इज एट्रीब्यूट टू ओल्डर पीपल, यहाँ तक कि जो यंग पीपल होते हैं उन्हें क्या है कि इस बात पे भी श्योर नहीं होते हैं, वो डाउटफुल रहते हैं कि क्या सच में ओल्ड पीपल है जो उनकी प्रेस करनी चाहिए ओल्ड एज के बारे में, कि ओल्ड होते हुए वो बहुत ज़्यादा वाइज हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं।
द ओल्डर पीपल हैव द रियल एडवांटेज ऑफ मेच्योरिटी इन दैम। तो यहाँ पर जो एसिस्ट हैं यानी कि जो चेस्टरटन्स हैं उन्होंने क्या कहा है कि जो ओल्डर पीपल होते हैं उनको सबसे ज़्यादा रियल एडवांटेज क्या होता है कि उनके अंदर एक मेच्योरिटी आ जाती है, वो परिपक्व होने लग जाते हैं, वो जो लाइफ है, लाइफ की जो सिचुएशन है उसको क्या कि अच्छे तरीके से समझने लग जाते हैं और उसे किस तरीके से हैंडल करना है उसके बारे में भी उन्हें एक्सपीरियंस होने लग जाता है। टू दैम उनके लिए एक सेकेंड टू दैम उनके लिए मैनी थिंग्स सीम्स टू बी ग्रोइंग यंगर बिकॉज दे बिगन टू सी सिग्निफिकेंस इन अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेडिशंस इंस्टीट्यूशंस मैक्सिम्स एंड कोड ऑफ मैनर विच टू द यूथ सीम्स टू बी मिसअंडरस्टैंड। तो उनके लिए जो ग्रोइंग यंगर्स होते हैं यानी कि जिनकी एज बढ़ती जा रही होती हैं वो क्या है कि देखने लग जाते हैं ट्रेडिशन जो भी इंस्टीट्यूशंस मैक्सिम्स वगैरह होते हैं उन सब की क्या सिग्निफिकेंस है, उन सब के बारे में देखने लग जाते हैं, उन पर विचार करने लग जाते हैं, जबकि जो यूथ होती है, जो युवा लोग होते हैं वो इन चीज़ों के प्रति मिसअंडरस्टैंड होते हैं, उन्हें प्रॉपर वे में नहीं पता होता है। इट इज़ एडवांटेज टू द यंग मैन दैट दे रिगार्ड ट्रेडिशन एंड कस्टम्स आर एज ऑब्जर्व एंड डैट। जो यंग मैंस होते हैं वो तो क्या है कि जो भी ट्रेडिशंस वगैरह होते हैं, जो कस्टम रीति रिवाज होते हैं, उन्हें क्या है कि वो एब्जॉर्ब बेकार के मानते हैं और वो सोचते हैं कि ये तो बेकार के हैं, ये डेड हैं। बट मैन इन एडवांस एज, लेकिन जैसे ही वही पर्सन जब वो बढ़ती हुई एडवांस एज में ओल्ड होता जाता है, बिगन टू डिस्कवर, तो वो क्या कि शुरू करने लग जाता है इन चीज़ों के बारे में डिस्कवर करना द ट्रूथ ऑफ द ट्रेडिशन, कि ये जो ट्रेडिशंस है, ये रीति रिवाज हैं, इनके पीछे क्या सच है, कि क्यों इन ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता है। ये सब बातें वो कब सोचता है, जब वो ओल्ड होने लग जाता है। इफ़ देर हैड बीन एनी फॉल्स अबाउट इट द ट्रेडिशन विल नॉट हैव सर्वाइव्ड। तो ये कहा गया है कि अगर कोई भी ट्रेडिशन है, अगर उसमें कोई भी फॉल्स यानी कि कुछ भी गलत है, तो वो ट्रेडिशन कभी भी फॉलो ही नहीं किया जाता और ना ही वो अब तक सर्वाइव होता। एज सच द प्रोवर्ब दैट हैड बीन हैंडेड डाउन टू अस ट्रेडिशनली ग्रेट ट्रूथ इन दैम। वो कहते हैं कि ये जो प्रोवर्ब्स हैं, जो कहावतें हैं, जो इतने सदियों से चली आ रही हैं, वो अभी भी हम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई सच होता है। मीन्स कि जो भी हम कहावतें बोलते हैं उसका कोई ना कोई मीन्स होता है और वो कहावतें अब तक हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि वो उनमें क्या कुछ रियलिटी है, कुछ ट्रूथ है, जिसके कारण वो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। इट इज़ ओनली इन ओल्ड एज दैट वी बिगिन टू सी ट्रूथ इन दैम। और ये सिर्फ ओल्ड एज ही है जिसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं, इनके पीछे का जो ट्रूथ है उसे समझ पाते हैं। टू द यूथ द प्रोवर्ब डॉग इन द मैनेजर एंड इट्स एन इल विंड दैट ब्लो नो बॉडी गुड्स सीम्स मीनिंगलेस। तो ये दो प्रोवर्ब बताई गई हैं, इसमें कहा है कि जो यंग लोग होते हैं उनके लिए तो ये जो प्रोवर्ब हैं, जो कहावतें वगैरह हैं, ये क्या है, मीनिंगलेस हैं। बट द ओल्ड रियलाइज द सीक्रेट ऑफ दैम। लेकिन जो ओल्ड पर्सन है वो क्या है कि इनके पीछे जो सीक्रेट है उसको रियलाइज़ करते हैं। फॉर दे हैव एक्सपीरियंस दैम बींग अप्लाइड टू देयर थॉट्स एंड एक्शन इन प्रैक्टिकल लाइफ। क्योंकि उन्होंने ये चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, कैसे अपने थॉट्स में उनको अप्लाई किया है एंड अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, जो एक्शंस है, उसमें भी क्या है इन्होंने अप्लाई किया है। इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट वी फेल टू सी द ग्रेट ट्रूथ दैट हिस्ट्री टीचर्स। तो जो यंग मैन है वो क्या है कि अनफॉर्चुनेट है, उन मतलब दुर्भाग्यशाली हैं, दैट वी फेल टू सी दैट, कि हम देख ही नहीं पाते सच के बारे में जो कि हिस्ट्री ने हमें सिखाया है। चेस्टर्टन्स है जो वो कहते हैं, वी हैड बीन टोल्ड दैट, हम कहते हैं कि रोमन एम्पायर डेक्लाइन, कि जो रोमन एम्पायर है वो डेक्लाइन हो चुका है, और दैट द स्पेनिश एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड, बट नो जर्मन एवर रियली अप्लाई टू द जर्मन एम्पायर। लेकिन जर्मन के लिए इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं उनका यूज़ नहीं किया जाता है। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए, देयर लाइज अ ट्रूथ बिहाइंड द फैक्ट ऑफ रोमन एम्पायर डेक्लाइन। क्योंकि रोमन एम्पायर डेक्लाइन क्यों हुआ है, इसके पीछे कोई फैक्टर है, कोई ट्रूथ है। सच ट्रूथ दैट हैव बीन पुट टू रिपीटेशन हैव मीनिंगफुल। और अगर ये जो ट्रूथ है इसको बार बार रिपीट किया जाएगा, इसको समझने की कोशिश की जाएगी, तो पक्का इसके पीछे एक मीनिंगफुल रेफरेंस मिलेगा। दैट ट्रूथ ओनली द ओल्ड पीपल अंडरस्टैंड। और ये जो सच है ये सिर्फ ओल्ड पीपल है जो वही समझ सकते हैं। इन ए पैराडॉक्सिकल मैनर चेस्टर्टन्स पुट्स अप, और जो चेस्टर्टन्स हैं उन्होंने एक पैराडॉक्सिकल मैनर, विरोधाभासी मैनर में कहा है, द थिंग्स वाज अ डेड मैक्सिम व्हेन वी आर अलाइव विद यूथ। जब यानी कि हम युवा होते हैं तब वो जो चीज़ें हैं वो क्या डेड होती हैं,
इट बिकम अ लिविंग मैक्सिम, और बाद में क्या कि ये लिविंग मैक्सिम्स बन जाते हैं व्हेन वी आर नियरर टू डेथ, जब हम डेथ के पास आने लग जाते हैं। मीन्स कि जब युवा होते हैं तब तो हम उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम ओल्ड होते जाते हैं तब क्या है कि हम उन चीज़ों पर विचार करने लग जाते हैं, जिसके कारण वो जो मैक्सिम्स होते हैं वो धीरे धीरे क्या है लिविंग लगने लग जाते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम यंग एज में नहीं सोचते हैं, जैसे कि डेथ है, डेथ के बारे में यंग एज में कोई भी नहीं सोचता है। जैसे ही पर्सन ओल्ड होता जाता है तब क्या है कि वो डेथ के बारे में सोचने लग जाता है। यंग एज में तो उसके लिए डेथ है जो वो एक प्रकार का डेड मैटर होता है, यानी कि वो इसके बारे में नहीं सोचता है, लेकिन ओल्ड एज में क्या है कि यही जो मैटर है वो उसके लिए लिविंग बन जाता है। इवन एज वी आर डाइंग द होल वर्ल्ड इज कमिंग टू लाइफ। तो यहाँ पर जो चेस्टरटन्स हैं उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे हमारी डेथ होने वाली होती है ये जो पूरा संसार है ये क्या है कि इसमें लाइफ आने लग जाती है। मीन्स कि अगर एक इंसान की डेथ होती है तो इसका मीन्स ये नहीं है कि ये जो पूरा संसार है यही ख़त्म हो रहा है, नहीं, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के बर्थ्स भी होते हैं। इट अपीयर्स पैराडॉक्सिकल दैट यंग पीपल डू नॉट रियलाइज द न्यू वर्ल्ड वेयर एज द ओल्ड डू एंड द मॉडर्न डू नॉट रियलाइज मॉडर्निटी एज वेल एज परहैप्स। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो यंग पीपल है वो रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं न्यू वर्ल्ड के बारे में। जो इंसान जिस वर्ल्ड में रह रहा है उसमें ही रह रहा है तो उसको वो चेंजेस के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जो ओल्ड पीपल है उसे क्या है कि उन चेंजेस के बारे में पता हो रहा होगा, क्योंकि उसने क्या है कि अपने टाइम और जो आ रहा समय है उसके में डिफरेंस करता है, ठीक है, क्योंकि उसने अपना टाइम भी देखा होता है और आने वाला समय भी वो देख रहा होता है। द मॉडर्न डू नॉट रियलाइज मॉडर्निटी, जो मॉडर्न लोग हैं वो मॉडर्निटी को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। जैसे कि आज के टाइमिंग में क्या कि ये जो टीवी है मोबाइल्स वगैरह हैं तो आज के टाइमिंग में किसी को नहीं पता कि पहले ये सब चीज़ें नहीं होती थी, है ना। जो पहले के लोग हैं जिन्होंने टीवी मोबाइल नहीं देखा था और वो आज अगर वो जिंदा हैं तो वो इन चीज़ों को देखते हैं, ये जो चेंजेस हो रहे हैं, मोबाइल आ रहे हैं, टेलीफोन्स आ रहे हैं, कहाँ पर पहले लेटर्स चलते थे और कहाँ पर आज मोबाइल फ़ोन्स हैं, मैसेजेस वगैरह हैं, तो ये जो चीज़ है, ये जो मॉडर्निटी है, इसे क्या है कि ओल्ड पीपल ही फील कर सकता है। बिकॉज द यंग और द मॉडर्न हैव नेवर नोन एनीथिंग बिफोर एल्स, क्योंकि जो मॉडर्न लोग होते हैं उन्हें पहले के जो टाइमिंग है, पहले का जो सिस्टम है, उसके बारे में नॉलेज ही नहीं होती है। किस इंसान को नॉलेज होगी, जो इंसान उस टाइमिंग में रहा होगा या जी रहा होगा। बट द ओल्ड हैव सीन द चेंज, लेकिन जो ओल्ड लोग होते हैं वो इस चेंज को क्या है कि देखते हैं, एंड दे कैन रियलाइज द न्यू वर्ल्ड और द मॉडर्निटी, और वो रियलाइज कर सकते हैं कि बहुत सारे क्या है कि टाइम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में चेंजेस आ रहे हैं। दिस इज ऑल पीपल डू फील शार्पली एंड क्लियरली द अप्रोच विच इज़ बिगनिंग एंड बिकॉज दे वर देयर बिफोर इट बिगन, कि जो ओल्ड पीपल है वो इन चीज़ों को देख सकते हैं क्लियरली और शार्पली, इसको फील कर सकते हैं कि जो टाइमिंग है, जो सिचुएशन है, सोसाइटी है, उसमें चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि वो पहले वाली जो सोसाइटी है उसमें रह रहे थे स्टार्टिंग से और अब जो चेंजेस आ रहे हैं उन्हें भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। Chesterton's contends that it is one of the artistic advantages of the age that they do see the new things relight sharply against a background, their shapes definite and distinct. तो यहाँ पर जो Chestertons हैं उन्होंने क्या कहा है कि एक एडवांटेज, आर्टिस्टिक एडवांटेज भी है ओल्ड एज का, क्या है कि ये जो लोग होते हैं, ये जो नई थिंग्स होती हैं, उनके जो पृष्ठभूमि होती है, जो बैकग्राउंड होता है, उसके बारे में समझ पाते हैं, क्योंकि इन लोगों को पता होता है कि जैसे मान लो पहले नोकिया के फ़ोन चलते थे, आजकल एप्पल के फ़ोन चल रहे हैं, तो ये लोग क्या ये डिफरेंस कर पाते हैं कि ये जो एप्पल के फ़ोन है इसकी जो बैकग्राउंड है वो किस से स्टार्ट हुई है, ये नोकिया के फ़ोन से। अगर फ़ोन ही नहीं होता तो डायरेक्ट एप्पल्स के फ़ोन नहीं बनते हैं, है ना। तो ये इन चीज़ों को फील कर सकते हैं टू द यंग, लेकिन जो यंग लोग होते हैं दिस न्यू थिंग्स आर ऑफन themselves the background, उनके लिए यही जो नई चीज़ है यही इनका क्या background है, and hardly seen at all, और इन्होंने शायद ही पहले देखा होगा। यानी कि आज के टाइमिंग में क्या है कि जो लोग हैं वो सैमसंग ये दूसरे फ़ोन्स का यूज़ करते हैं, किसी ने नोकिया वगैरह का फ़ोन का यूज़ नहीं किया करते, ठीक है, वही चीज़ है। फाइनली द ऑथर प्रेजेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, इसके बाद जो ऑथर है उन्होंने एक अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में बताया। He remembered that, उन्हें याद है, when he was young, जब वो young होते थे, people scoffed at the idea of existence of ghosts and spirits, कि जो लोग थे उस टाइम क्या है कि जो ghosts वगैरह होते थे, भूत प्रेत, इनकी बातों पर क्या है कि ये सच में होते हैं, इस बात पर वो हंसते थे। Educated people firmly believed that, और जो पढ़े लिखे लोग थे उनका ये विश्वास था, that do not return in the world of sense, कि जो डेड लोग होते हैं जिनकी डेथ हो जाती है वो कभी भी इस संसार में नहीं आते हैं वापस।
बट नाउ वी फाइंड, लेकिन अब हम पाते हैं साइंटिस्ट हैव बिगन टू बिलीव इन सच एक्जिस्टेंस, लेकिन अब जो वैज्ञानिक है वो इन सब बातों में विश्वास करने लग चुके हैं, उन्हें भी लगने लग चुका है कि गोस्ट वास्तव में होते हैं. साइंटिस्ट लाइक सर ओलिवर लॉज बिकम इंटरेस्टेड इन पैरासाइकोलॉजी, स्पिरिट्स एंड ऑकल्ट मैटर्स. तो यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम बताया गया है जिनका नाम है ओलिवर लॉज. अब ये जो है साइंटिस्ट, इन्होंने भी क्या है कि पैरासाइकोलॉजी में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया है. इन्होंने भी जो भूत प्रेत हैं, जो जादू टोने होते हैं, इन सब बातों पर रिसर्च करनी, स्टडी करनी स्टार्ट कर दी है. एज सच इन मैनी मैटर्स, बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं, द एस्ट इन्जॉय एडवांटेज ऑफ मेच्योरिटी, जिसमें जो वृद्ध लोग हैं जो कि एज्ड हो चुके हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा एडवांटेज क्या लाभ है अपने इस ओल्ड एज का कि वो मेच्योर हो चुके हैं एंड मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रति उनके लिए मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है, ऑफ विच द यूथ आर इन डाउट, जिसके बारे में यूथ है जो वो अभी भी डाउट में है. मीन्स कि कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके बारे में यूथ लोग अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जो ओल्ड पीपल होते हैं, जो एज्ड लोग होते हैं, वो उस थिंग की एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं. सो होपफुली आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. थैंक यू.